निष्ठा लास वेगस 36 घंटे पहले आविष्कार सही मायने में देशभक्त बहुत छोटी उम्र में ही मशहूर हथियार बनाने वाले हॉवर्ड स्टार्क के बेटे ने अपनी अकलमंदी और तेज दिमाग की वजह से जल्द ही दुनिया में अपना नाम बना लिया। सिर्फ 4 साल की उम्र में उसने पहला सर्किट बोर्ड बनाया, फिर 6 साल की उम्र में पहला इंजन और 17 साल की उम्र में दुनिया की सबसे नामी यूनिवर्सिटी MIT से ग्रेजुएशन की। पिता की मौत के बाद हॉवर्ड स्टार्क के पुराने दोस्त और पार्टनर अब डाइनस्टेन ने मशहूर हथियार निर्माणकर्ता की कमी को पूरा करने का बीड़ा उठाया, लेकिन 21 साल की उम्र में मशहूर पिता का बेटा वापस आया और उसे स्टार्क इंडस्ट्री का नया मालिक बनाया गया। इतनी बड़ी राजगद्दी की चाबी उसकी जेब में थी, उसने पिता की विरासत को नया मोड़ दिया, बेहतर हथियार, एडवांस रोबोटिक्स और सैटेलाइट टारगेटिंग बनाया। टोनी स्टार्क ने आधुनिक हथियार बनाने वाली कंपनियों का चेहरा बदल दिया। उसने फैसला किया कि आजादी हमेशा कायम रहे और अपना देश सदा के लिए सुरक्षित रहे। स्टार्क इंडस्ट्रीज के अधिकारी के नाते मुझे एक सचमुच के देशभक्त के साथ काम करने का सुनहरी मौका मिला। वो मेरा दोस्त है और उसे आप मेरा एक महागुरु भी कह सकते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, इस साल के अपूजी अवार्ड को जीता है मेरे दोस्त मिस्टर टोनी स्टार्क ने। ओ, ये बहुत खूबसूरत है। थैंक यू वेरी मच। ये बेमिसाल है, लेकिन मैं टोनी स्टार्क नहीं हूं। पर अगर मैं टोनी होता तो इस मशहूर अवार्ड को पाकर बहुत खुश होता और इस इज्जत अफजाई के लिए मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। टोनी एक ऐसा शख्स है, टोनी की सबसे अच्छी बात उसकी